जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज जो जॉब जो बताने वाला हूँ वो रेलवे के अंदर रहने वाली है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन को लास्ट तक आप अगर जब तक नहीं देखेंगे तो आपको बीच में अगर स्किप कर देंगे वीडियो को तो पता नहीं लगेगा पूरे इस जो है जॉब का। तो आपने लास्ट तक देखना है क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको अभी समझाने वाला हूँ दोस्तों, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये आप लोगों के लिए लाइफ में हर बार का एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिनको इसकी ज़रूरत हो, नीड हो दोस्तों। इसलिए ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देना जिनको इस जॉब की जो नीड है दोस्तों। तो बात करते हैं हम दोस्तों आरआरसी नॉर्थ वेस्ट रेलवे की जो पोस्ट निकल के आई है दोस्तों। पहली जो पोस्ट है वो निकल के आई है जो एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की, दूसरी टेक्नीशियन की, तीसरी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की निकल के आई है, और तीसरी जो है गार्ड ऑब्लिक ट्रेन मैनेजर की निकल कर आई है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कितनी वैकेंसीज़ जो निकल के आई हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करूँ, टोटल वैकेंसीज़ जो निकल के आई हैं 312 वैकेंसी निकल के आई हैं, जिसमें कि जो एएलपी की जो वैकेंसी है 206 है, और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 16 है, जेई की जो वैकेंसी है जो वो 44 है, और जो गार्ड की जो वैकेंसी है वो 46 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं पे लेवल क्या रहने वाला है इनका। तो एएलपी यानी कि जो असिस्टेंट लोको पायलट का पे लेवल लेवल 2 रहने वाला है, टेक्नीशियन का लेवल 2 रहने वाला है, और जेई का जो है लेवल 6 की पेमेंट रहेगी यहाँ पर, और गार्ड और ट्रेन मैनेजर की जो लेवल 5 की पेमेंट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट कब अप्लाई की, 2 सितंबर 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए जो 18 से 42 साल उम्र है, ओबीसी के लिए 18 से 45 साल है, एससी ऑब्लिक एसटी दोनों के लिए जो 18 से 47 साल की एज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एजुकेशन की दोस्तों, यहाँ एजुकेशन जो रहने वाली है एएलपी के लिए जो चाहिए आपको 10th आईटीआई और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन के लिए आपको चाहिए 10th और आईटीआई, जेई के लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अंदर चाहिए, गार्ड ऑब्लिक ट्रेन मैनेजर के लिए आपको डिग्री चाहिए दोस्तों यहाँ पर। और इसकी जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो नील है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है यहाँ पर, ठीक है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा दोस्तों। तो अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन रहने वाला है, और लोकेशन जो है ऑल इंडिया रहने वाली है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस जानकारी को और लोगों के साथ भी जरूर साझा कर दें ताकि किसी ना किसी की इस चीज़ से हेल्प हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।